ये देखिए हमारी बन गई है फरीदाबाद वाली स्पेशल सब्जी। हम इसे घर पे भी बना सकते हैं और मैंने कम घी का यूज किया है और सब्जी काफ़ी अच्छी बनी है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। मखाना, दही, मटर, पनीर, काजू और ये प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, आलू और ये छोटी प्याज, देसी घी, तेज पत्ता और टमाटर मैंने पहले ही उबाल लिए थे क्योंकि ये थोड़ा ठंडा भी होना था इन्हें। चलिए प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए हमारी प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन पिस गया है। ये देखिए आलू मैंने दो भागों में काट लिए हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ, मैंने घी पहले ही चढ़ा दिया था। ये देखिए हमारे आलू गोल्डन हो गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। देखिए जो मैंने प्याज लिए हैं छोटे प्याज, इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। ये मखाना है, ये भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। आप अपने अंदाजे से ले सकते हो कम या ज्यादा। ये देखिए मखाने भी फ्राई हो गए हैं और अब मैं मखाने भी निकाल लूंगी। ये मैंने काजू लिए हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये देखिए काजू भी मेरे फ्राई हो गए हैं। धनिया पाउडर दो बड़ी चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा काला नमक, चम्मच गरम मसाला, चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और ये हींग। सारे मसाले एक बाउल में कर लिए हैं और अब मैं पानी डालकर एक घोल बनाऊंगी जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून गई है और अब मैं जो ये सारे मसाले घोल के रखे हैं इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए जो मैंने काजू का पाउडर बना रखा है मैं उसको डाल रही हूँ। इसमें मावा भी डालते हैं लेकिन मावा मेरे पास नहीं था तो मैंने इसलिए काजू का पाउडर बनाया है, मैं इसको डाल रही हूँ। ये सिर्फ ग्रेवी थिक करने के लिए होता है तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर दिया। टमाटर जो मैंने उबाल के और ये पीस लिए हैं ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिए।
अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। ये मेरी सफल मटर है। ये देखिए जो हमने काजू और मखाना, आलू, प्याज सब फ्राई करी थी, अब मैं सब ग्रेवी में ऐड कर दूंगी और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। आप इस सब्जी को पूरी के साथ, चावल के साथ खा सकते हो। देखिए हमारी सब्जी पक गई है। अब मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐसे ही डालूंगी साबुत, और अब इसमें मैं दही डालूंगी। आप ग्रेवी में भी डाल सकते हो पहले और बाद में भी डाल सकते हो। तो मेरी सब्जी पक गई है, क्योंकि मेरे आलू कच्चे थे तो खटास के मारे आलू नहीं पकते, इसलिए मैंने बाद में ऐड करी है। और अब मैं सबसे बाद में इसमें पनीर ऐड करूंगी, क्योंकि अगर पनीर मैं तभी ऐड कर देती तो ये जैसे चीड़ सा हो जाता है, उस तरीके का हो जाता पनीर डाल के। बस अब इसे मैं 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और हमारी सब्जी एकदम रेडी। हमारी सब्जी बन गई है और कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ज़्यादा घी का यूज नहीं किया है, हमने कम घी में ही कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। और अब मैं इसमें धनिया पत्ती, एक चम्मच मसाला, ये मैंने घर पे ही बना रखा है, इसे डाल के सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारी गाढ़ी गाढ़ी सब्जी। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं।